इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे स्विट्जरलैंड टी10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 1 के बारे में। दोस्तों आज का मैच नंबर 1 SGCC और दोस्तों ZNCC टीम के बीच खेला जाएगा। यह मैच दोस्तों ध्यान रखिएगा 12:15 से स्टार्ट होगा दोपहर को, ठीक ना। इस वीडियो में दोस्तों आपको इस मैच से रिलेटेड सभी प्लेयर का स्टैट्स, बैटिंग पोजिशन, स्मॉल लीग में क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रैंड लीग में दोस्तों आप किस प्लेयर पर रिस्क ले सकते हो, किस तरह से दोस्तों आप प्लेयर को इस मैच में रोटेट करोगे, इस मैच से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्मॉल लीग हो या दोस्तों ग्रैंड लीग हो, और दोस्तों बेस्ट टीम बनाना चाह रहे हो, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक ना, और वीडियो को समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा। मैं अपने तरफ से दोस्तों आपको कोशिश किया हूँ एकदम सिंपल और दोस्तों ईजी वे में आपके साथ वीडियो शेयर करने का, बट स्टिल दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। और जो भी दोस्तों मैंने कॉम्बिनेशन अभी आपके साथ वीडियो में जो शेयर किया हूँ इस मैच से रिलेटेड, उस कॉम्बिनेशन में कोई भी प्लेयर यदि टर्स के बाद नहीं खेलता है तो फाइनल कॉम्बिनेशन, ऐसे तो मैंने आपको ऑलरेडी रोटेशन प्रोवाइड कर दिया है यदि कोई प्लेयर ना खेले तो, बट मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि फाइनल कॉम्बिनेशन फिर से अपडेट करके भी टेलीग्राम पे शेयर कर दूं। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हम लोग SGCC और दोस्तों ZNCC के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको दो ऑप्शन को पिक कर लेना है, एच अहमद और एस मोहम्मद, दोनों दोस्तों अपने टीम के लिए ओपन बैटिंग करने आते हैं, ठीक ना, और दोनों दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों आपको सभी कॉम्बिनेशन में रखना है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहे हैं। एच अहमद तो दोस्तों कल के दिन एक मैच में 98 स्कोर करके आउट हो गए थे, 2 रन से दोस्तों 100 से चूक गए थे, और वहीं दोस्तों एस मोहम्मद मैच कम खेले, 2 ही मैच खेले, बट दोनों मैच में आउटस्टैंडिंग टच में दिखे, फर्स्ट मैच में 50+ स्कोर किए, सेकेंड मैच में 240+ स्कोर किए। तो ये दोनों प्लेयर ध्यान रखना, इतने अच्छे ऑप्शन है तो आप इन्हें कैप्टन भी कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको जे दनेश का ऑप्शन मिलेगा, ग्रैंड लीग का दोस्तों एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा इस मैच में, ध्यान रखना यदि ZNCC की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो, खिलाड़ी अच्छा है बस चांस मिलने का देरी है, ठीक ना, आपको 2 नंबर पे बैटिंग करनी आता है। कल के दिन दोस्तों इन्होंने जो लास्ट मैच खेला जहां पे दोस्तों इन्होंने 18 बॉल में दोस्तों 31 रन स्कोर किया, काफ़ी अच्छे दिखे थे, और एक्स्ट्रा पॉइंट आपको एज अ विकेट कीपर भी प्रोवाइड करते हैं, कैच से हो गया दोस्तों, स्टॉम्पिंग से हो गया। अब बात करें हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो दोस्तों देखो बैटिंग सेक्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा जबुल्ला का, दोस्तों देखो इनका सिलेक्शन तो आपको 92% दिखेगा, लेकिन यदि आप रिस्क ले सकते हो तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। रीजन क्या है दोस्तों इनको ड्रॉप करने का, एक तो दोस्तों कल का यदि आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे किसी भी मैच में इन्होंने आउटस्टैंडिंग टच नहीं दिखे, इनसे बेटर दोस्तों परफॉर्मेंस तो इधर से जे दनेश ने किया है कल के दिन, तो यही मैं आपको रोटेशन बताना चाहता था कि देखो सेफ जाना हो तो आप इनको रख लेना, सेलेक्शन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक ना, यदि आप रिस्क ले सकते हो तो इनके जगह इधर से जे दनेश को ट्राई कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको एज खान का ऑप्शन मिलेगा, एज खान तो दोस्तों आपके टीम में होने चाहिए, चाहे आप दोस्तों 10 टीम बनाओ या 220 टीम बनाओ, बंदे को ड्रॉप मत करना, आपको 2 ओवर बॉलिंग करके देगा, नाम भले ही बैटिंग सेक्शन में है, बैटिंग से भी आपको 10 से 15 रन स्कोर कर देंगे, लेकिन आपको जो मेन फैंटेसी पॉइंट देंगे वो एज अ बॉलर देने वाले हैं। नीचे दोस्तों आपको एज सिकंदरी का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट का दोस्तों 3 मैच तो खेले नहीं है इसी वजह से मैं अभी टीम में नहीं रख रहा हूँ, और सिलेक्शन भी बहुत कम है, खेले तो आप जीएल में कंसिडर करना, ठीक ना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के 2 मैच में इन्होंने ओपन बैटिंग किया था, लेकिन अब दोस्तों बहुत ही कम चांस है कि ओपन बैटिंग करेंगे, बहुत हो गया तो दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आ सकते हैं, ठीक ना। फिर नीचे दोस्तों आपको एम राजा का ऑप्शन मिलेगा, राजा भैया दोस्तों देखो मैं मेनली ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिकमेंड करूंगा जहां पे 3 बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है, ठीक ठाक बैट्समैन है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपको फर्स्ट राउंड ही बैटिंग करने आ जाते हैं, डेट मीन्स यदि दोस्तों कोई भी ओपनर आउट होगा ये दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही बैटिंग करने आ जाएंगे। मैं दोस्तों देखो इन्हें स्मॉल लीग में तो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन GL में यदि आप सामने वाली टीम डेट मीन्स SGCC के दोस्तों
यदि कोई ओपनर को ड्रॉप कर रहे हो, ग्रैंडिंग में करना है, स्मॉलिंग में तो आपको करना नहीं है, क्योंकि ये जो HGCC के ओपनर है बहुत ही स्ट्रांग है, तो कर रहे हो ग्रैंडलिंग में तब आप इमराजा को ट्राई करना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 3 बैट्समैन रखना था वहाँ पे आप ट्राई करना। मैं बताता हूँ कैसे करोगे। आप क्या करना दोस्तों, इधर से जयबुल्ला, एस खान और इमराजा, ये 3 प्लेयर को रख लेना। लीग 11 दोस्तों आप लोग खेलते ही हो लीग 11 में, तो वहाँ पे आप ये 3 बैट्समैन को रख सकते हो। गंगाधरन दोस्तों खेले तब भी GL में ही कंसिडर कीजिएगा, ठीक ना। नीचे से यदि कोई न्यू प्लेयर खेलता है तो मैं उनका स्टैट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। मेनली ऊपर जो मैंने आपको 4 ऑप्शन प्रोवाइड किया है, बस इसी पे आपको फोकस करना है। अब बात करें हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन, एफ नाजिर भाई टीम में रख लेना, कैप्टन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन बैटिंग करेगा बंदा, 2 ओवर बॉलिंग करके देगा, बहुत बड़ा प्लेयर है दोस्तों। सिंपल बोलूं तो जो अभी दो स्विट्जरलैंड T10 चल रहा है, उस पूरे दोस्तों जो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है इनका, उसका कैप्टन है, तो आप समझ सकते हो प्लेयर का जो लेवल है काफी ज्यादा हाई है। फिर नीचे दोस्तों आपको कोनजी का ऑप्शन मिलेगा, ये भी दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, कैप्टन भी सी ट्राई कर सकते हो। ओपन बैटिंग करने आएंगे दोस्तों एस मोहम्मद के साथ, साथ ही साथ आपको 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे। इनका दोस्तों परफॉर्मेंस देखिए तो एक मैच में बैटिंग से आउटस्टैंडिंग रहा है, तो एक मैच में बॉलिंग से आउटस्टैंडिंग रहा है, 2 ही मैच खेले हैं। फिर नीचे आएगा दोस्तों ए नाजिर, यार ए नाजिर का मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो इसके साथ हुआ क्या है, कल के दिन दोस्तों इन्होंने 3 मैच खेला है, तीनों मैच दोस्तों ये खेले, चोटिल नहीं थे, लेकिन जानते हो इन्होंने क्या किया है, तीनों मैच में एक सिंगल ओवर भी दोस्तों बॉलिंग नहीं किया है। और ए नाजिर दोस्तों एक बहुत अच्छा विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग तो इसको आता भी नहीं, मे भी दोस्तों आता हो लेकिन कुछ खास नहीं रहा है, परफॉर्मेंस न के बराबर रहा है, लेकिन ये बॉलिंग बहुत अच्छा करता है। लेकिन कल के दिन बंदे ने धोखा दे दिया है, किसी भी मैच में इसने बॉलिंग नहीं किया। तो देखो दोस्तों रख रहे हो, सिलेक्शन हाई है, रख सकते हो, लेकिन मेरा काम था आपको फुल डिटेल प्रोवाइड करना, तो मैंने बता दिया कि ए नाजिर दोस्तों बॉलिंग नहीं किया है, ठीक ना। अब देखो दोस्तों ए नाजिर के जगह मैं इधर से अभी विकेट कीपिंग सेक्शन से जे दिनेश को रखा हूं, 16% सिलेक्शन है। लेकिन यदि दोस्तों JDNCC की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, और दोस्तों JDNCC की टीम इस मैच में दोस्तों 4 से 5 बॉलर के साथ उतरे, तब आप ए नाजिर को रख लेना। यदि JDNCC की टीम दोस्तों ए नाजिर को छोड़ के आपको दोस्तों 5 बॉलर 6 बॉलर 7 बॉलर के साथ उतरे, तो फिर इसको हटाओ टीम से, सिंपल है, बॉलिंग ही नहीं करेगा दोस्तों यदि इतना ऑप्शन के साथ इसकी टीम उतरी तो। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ए नाजिर को आप टीम में रख रहे हो तो, ठीक ना दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम दिया है। फिर नीचे दोस्तों साफी भैया मेरे टीम में रहेंगे भाई, 51% सिलेक्शन है, लेकिन मैं श्योर हूँ आपको 2 ओवर बॉलिंग करके देंगे, इसी वजह से मैं इन्हें बैक कर रहा हूँ। एक खान दोस्तों लास्ट के 3 मैच खेले नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कुछ खास रहा नहीं है। अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों देखो बॉलिंग सेक्शन से थानाबाल सिंघम मेरे टीम में डेफिनेटली रहेंगे, 2 ओवर आपको स्पिन बॉलिंग करके देंगे, बॉलर मेरे को काफ़ी अच्छे लगे और लाइन लेंथ इनका बहुत अच्छा रहता है। 6 बॉल दोस्तों ये बॉलिंग करते हैं, जिसमें से दोस्तों 3 बॉल तो इनका बहुत ही खराब गिरता है, बहुत ज़्यादा खराब गिरता है, जिसपे आप 3 बॉल पर आराम से बाउंड्री लगा सकते हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा ये 3 बॉल फेंकते हैं ना, विकेट टेकर बॉल फेंकते हैं, बहुत ही अच्छा इनका बॉलिंग रहता है समटाइम। फिर नीचे आएगा ए अहमद भाई, कल के दिन मैंने इनका बॉलिंग देखा, मेरे को काफ़ी अच्छे दिखे। कल के दिन इन्होंने 3 मैच खेला है, फर्स्ट मैच फ्लॉप गए, बट लास्ट 2 मैच में आपको दोस्तों जानते हो 4 विकेट प्रोवाइड कर दिए, सिर्फ 2 मैच में, लास्ट के 2 मैच में, और 2-2 ओवर का बॉलिंग कर रहे हैं, इसी वजह से बैक कर रहा हूँ। अहमद जाई को तो दोस्तों आपको 100% टीम में रखना है, जितना भी बना रहे हो सभी में रख लेना, बंदा बैटिंग से भी स्कोर कर रहा है और 2-2 ओवर का बॉलिंग भी करके जा रहा है और विकेट लेके जा रहा है, सिर्फ बॉलिंग नहीं कर रहा है। फिर नीचे से दोस्तों आपको ए रहमानी का ऑप्शन मिलेगा, रहमानी 31% सिलेक्शन में, अभी इन्हें टीम में रख रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कल के दिन बंदे ने दोस्तों सभी मैच में 2-2 ओवर का बॉलिंग किया और लास्ट 3 मैच में आपको 3 विकेट प्रोवाइड भी किया है, तो इसी वजह से दोस्तों मैं ए रहमानी को टीम में बैक कर रहा हूँ। देखो दोस्तों ए रहमानी पे आप रिस्क ले सकते हो, क्या कर सकते हो, यदि JDNCC की टीम दोस्तों बॉलिंग सेकेंड करती है तो आप इनको ड्रॉप करके दोस्तों आप क्या करना, इनके जगह बैटिंग सेक्शन से जयबुल्ला को टीम में रख लेना, जो आपको बैटिंग से स्कोर कर दे, ठीक ना, ये रोटेशन आप कर सकते हो। आई अल्लाह दोस्तों जो इन्होंने लास्ट मैच खेला है माइनस में पॉइंट देके गया है, टूर्नामेंट में देखो तो बहुत ज़्यादा मैच खेले नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बैक करूंगा नहीं, ठीक ना। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन BC ऑप्शन, तो दोस्तों देखो कैप्टन तो बहुत ही क्लियर है, एफ नाजी रहेंगे और वाइस कैप्टन में जा रहा हूँ अभी के लिए कोनीजी के साथ। अब देखो एक्स्ट्रा ऑप्शन का बात करें तो एच अहमद और एस मोहम्मद बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों दोनों, यदि आप कैप्टन BC अलग जाना चाहते हो तो।
दोनों ओपनिंग बैटिंग करेंगे, दोनों दोस्तों फारू बैट्समैन है, तो आप ये दोनों को भी कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों इस टीम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद यदि इस टीम में दोस्तों कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो मैंने ऑलरेडी आपको रोटेशन बता दिया है, उस पर आप फोकस कर लेना। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको फाइनल कॉम्बिनेशन टेलीग्राम पर भी अपडेट करके प्रोवाइड कर दूँ। तो आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लिए हैं, ठीक ना, तो बहुत अच्छा है। नहीं किए दोस्तों तो कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।